नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बड़े होंगे। दोस्तों, अगर आप अपना खुद का आधार कार्ड बिना ई मित्र पर जाए आप अपने मोबाइल में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आपको भाई पता नहीं कि भाई कैसे बनाए फ्री में, और वो भी भाई अपने मोबाइल में। ये दोस्तों शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सीधा किसी भाई की हाँ मोबाइल में रिक्स कौन ले, सीधा ई मित्र पर जाकर कहे कि भाई मेरा आधार कार्ड बनवाना है, वो भाई आपको फॉर्मेलिटी करते हैं पूरी। तो दोस्तों मैं अब आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताने वाला हूं, और मैं अपना खुद का एक आधार कार्ड बनाऊंगा इस मोबाइल में, और आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं, और वो भी दोस्तों फ्री में। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप ऐसा वैसा उल्टा वगैरह बन गया, कोई अकाउंट वगैरह हैक होने का कोई दोस्तों डर नहीं रहेगा। अब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही दोस्तों आपको समझ में आने वाला है। हेलो गाइज, मेरा नाम है हनुमान, आप देख रहे हैं टेक जोन सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अभी कभी इस वीडियो को लाइक, चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास दोस्तों जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो भाई ये काफी अच्छी बात होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नीचे कॉमेंट में आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, वरना दोस्तों मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे दोस्तों तुरंत मतलब ऑल टाइम ऑनलाइन ही रहता हूं, आपसे बात कर लूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपने ही मोबाइल में दोस्तों ऑनलाइन दोस्तों आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं फ्री में। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, उस एप्लीकेशन से आप बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट पर जाकर यहां पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्ले स्टोर पर, क्योंकि वो एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी जो गवर्नमेंट की आईडीज होती है प्ले स्टोर पर बहुत कम होती है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर गूगल या क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करनी पड़ती है। वो दोस्तों मेरे पास पहले से अवेलेबल है। अब दोस्तों वो एप्लीकेशन की दोस्तों अगर आप लिंक नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं कि कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस लिंक ऐप की लिंक दे दूंगा, वहीं से आप दोस्तों वो ऐप की लिंक डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए क्या क्या प्रोसेस करूंगा मैं, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, अगर समझ में ना आई वीडियो तो आप वीडियो को दोस्तों एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग बड़े होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपना खुद का, जैसे कि मैंने कहा, आप आधार कार्ड अपने मोबाइल में बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोग का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और बता देता हूं कि आप दोस्तों यहां पर आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपकी ट्राई के लिए मैं यहां पर एक बार प्ले स्टोर पर भी जाता हूं कि आधार कार्ड मेकर, यहाँ पर दोस्त मैं सर्च करता हूँ आधार कार्ड ऐप। तो यहाँ पर दोस्त जैसे मैं आधार कार्ड देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप आते हैं जो फेक ऐप होते हैं दोस्तों, जो एक आधार कार्ड और ये एक जैसे कि हम आधार है, जो ये एक रियल ऐप है, जो आधार कार्ड के आगे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो बनाने वाला एप्लीकेशन है ये। दोस्तों आप खुद का आधार कार्ड देख सकते हैं कि आप कितना बना है, कहाँ पर है, ये सब देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप आधार कार्ड कैसे बना सकते हैं, अभी तक आपका बना हुआ भी नहीं है, बना कैसे सकते हैं। तो दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं फ्री में, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों गूगल पर जाना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक यहाँ पर जो सर्च करना है, और उस वेबसाइट पर दोस्तों आपको जाना होगा जो ये वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट की दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सीधा सा मैंने यहाँ पर मेरे पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इस एप्लीकेशन को दोस्तों ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो ये सब कुछ बता देता है, तो यहाँ पर परमिशन देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बताता है, यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ पर्सन, जैसे आधार कार्ड में आपको क्या नाम लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हनुमान, यहाँ पर बिश्नोई, तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये नाम रखना चाहता हूँ हनुमान बिश्नोई, ये आधार कार्ड मेरा नाम है। और यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 20, या फिर दोस्तों यहाँ पर पिछले का यहाँ पर 10 तारीख का, यहाँ पर ठीक है 10 तारीख और 11 महीना 2021, ठीक है। यहाँ पर 21 की जगह दोस्तों आप है, तो यहाँ पर बहुत सारा पीछे भी है जो कर सकते हैं कि आप 2020 वगैरह, मैं दोस्तों आपको बस यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हैं कितना भी, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड से ओके कर देना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओके कर देना, बट ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ जो मैं यहाँ पर डालते रहना है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का जो है नंबर डाल देता हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत दोस्तों वेट करना है, 15-20 यहाँ पर 56 ऐसा कुछ आधार कार्ड का जो ये नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एड्रेस है दोस्तों,
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जोधपुर, ठीक है। मैं दोस्तों जोधपुर से हूँ तो मैं जोधपुर, यहाँ पर आपको जोधपुर लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो तहसील वगैरह है वो भी आपको है जो टाइप कर देनी है। मैं यहाँ पर जोधपुर ओशिया वगैरह यहाँ पर राजस्थान लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी राजस्थान बस मैं आपको फॉर्मेलिटीज़ के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैंने ये जो एड्रेस उल्टा पुल्टा डाला है क्योंकि ये आपको पूरा फॉर्मेलिटी यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेल है तो यहाँ पर मेल कर दीजिए जेंडर में, और अगर आप फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल में कर दीजिए। तो बस दोस्तों यहाँ पर मैं मेल पर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको एक फोटो चूज़ करनी है, तो आपको ऊपर दोस्तों प्लस का ऑप्शन दिख रहा है तो फोटो पे आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक फोटो है जो यहाँ पर ले लेनी है। अगर दोस्तों आप फोटो यहाँ पर रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर कैमरे से भी ले सकते हैं, बाकी दोस्तों आप फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस फोटो को दोस्तों मैंने एक फोटो है जो चूज़ कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इस फोटो को थोड़ा बहुत क्रॉप कर लिया मैंने इस प्रकार है ना, और ये करने के बाद दोस्तों आप दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड है दोस्तों बन चुका है। आप देख लीजिएगा ये फोटो थोड़ी या उल्टी साइड लग गई है, बाकी आप दोस्तों ये मेरा आधार कार्ड आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड है बन चुका है। इसी प्रकार दोस्तों आप भी अपना आधार कार्ड बना सकते हैं आप आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप मैंने जो ये आधार कार्ड यहाँ पर पता भी बन चुका है, और दोस्तों ऊपर दोस्तों मेरा आधार कार्ड का फोटो वगैरह भी है वो भी लग चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप आधार कार्ड वगैरह बना सकते हैं अपने मोबाइल में फ्री में घर बैठे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो फटाफट से सब्सक्राइब करके चले जाना दोस्तों, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।